वेलकम गाइस, फिर से एक बार स्वागत है जेपीएस एंटरप्राइजेस के स्टोर पे और एक नए बहुत ही अच्छे बिल्ड के साथ में, जिसमें आपको सारे प्रोडक्ट का सिलेक्शन एकदम लीक से अलग हटके मिलेगा। प्रोडक्ट आपके सामने रखा है तो काफी कुछ आपको भी समझ में आ ही चुका होगा कि इस तरीके का प्रोडक्ट की कॉन्फ़िगरेशन होने जा रही है। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखिए, i9-13900K X670 लिक्विड कूलर जो आपका एंजेड एस्टीमर आता है, उसके बाद A4000 क्वाड्रो कार्ड जो 16GB का है, ये वेरिएंट सबसे अलग है। 750 वाट सप्लाई यूज की गई है, जो इसकी रिक्वायरमेंट से थोड़ी सी ज्यादा है, लेकिन ज्यादा रखने में कोई बुराई नहीं है, कम नहीं होनी चाहिए। उसके बाद 790E सीरीज का मदरबोर्ड, वो भी रोग स्ट्रिक का, जिसके अंदर सारे फीचर्स अल्टीमेट मिलते हैं। कोर्सियर की 16x4 रैम है जो नॉन RGB है, मतलब आदमी एकदम प्रोफेशनली वर्क करने के लिए रेडी है, और 2TB की 990 प्रो SSD। अब इन सब के लिए जो लिक्विड कूलर है वो तो अपना NZST हो गया, लेकिन इसके लिए कैबिनेट जो है वो मैं आपको सबसे लास्ट में बताऊंगा कितनी खतरनाक इन्होंने सिलेक्शन किए हैं सारे प्रोडक्ट का। अब आप कुछ गेस कर सकते हो कि ये बिल्ड की कॉस्ट करीब करीब क्या आ रही होगी। चलिए, प्रोडक्ट सिलेक्शन थोड़ा थोड़ा ध्यान दीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा। नियर अबाउट 80,000 का कार्ड, 50,000 का अपना ये मान लीजिए प्रोसेसर, 7,000 रुपये तक की SMPS, 50,000 रुपये तक का बोर्ड, लिक्विड कूलर करीब 18,000 और 20,000 रुपये तक की रैम और 20,000 रुपये तक का ही NVMe 990 प्रो। तो मोटा मोटा ये चीज़ें तो देख के आपको समझ में आ चुके हैं कि कहाँ हम लोग पहुँच चुके हैं। और इसका कैबिनेट जो है वो और भी अच्छा है, जो 45,000 रुपए की रेंज में आने वाला कैबिनेट है कूलर मास्टर का, और उसमें साथ में 6 फैन ARGB के कूलर मास्टर के ही इंक्लूड किए गए हैं। तो और बजट कहाँ पहुंच गया। तो ये बिल्ट जो होने वाला है वो बिल्ट की कॉस्ट पहुंचने वाली है 3 लाख प्लस, और ये हम लोगों को बिल्ट का ऑर्डर जो मिला है वो एक हफ्ते पहले मिला था, लेकिन इनका प्रोडक्ट का सिलेक्शन इतना खतरनाक था। कैबिनेट जो रखी थी वो दूसरे स्टेट्स में थी, पहुंचनी लखनऊ थी, जानी कहाँ है आसाम। ये बिल्ट अपने है, जो कस्टमर है उनका नाम है मितुल गोगोई, और ये डिस्ट्रिक्ट डिब्रूगढ़, स्टेट आसाम, पिन कोड 786602, यहाँ से बिलोंग करते हैं। डिब्रूगढ़ आसाम से अपने लिए एक शानदार बिल्ट का ऑर्डर आया है, वो भी कहाँ से, फोन पे बात करके, वर्चुअली अगर मानिए तो, रियलिटी में भी नहीं, ना मुझसे मुलाकात हुई ना कुछ हुआ है। लेकिन आप लोगों का इतना विश्वास जो धीमे धीमे बनता जा रहा है ना कि भैया आप प्रोडक्ट सिलेक्शन करो, फिर आप बताओ क्या क्या लेना चाहिए, इसके अल्टरनेट में क्या ले सकते हैं, मेरा पूरा प्रोफेशनल वर्क है, मुझे ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए। और बिल्ट जो है सिर्फ अकेले कैबिनेट जो है वो 25 से 30 किलो का है, और उसको कोरियर करके वहां भेजना है, उसके बावजूद इस चीज का बिलीव है कि आप भेजोगे और वो प्रॉपर चल रहा होगा, ये बड़ी बात है। क्योंकि रास्ते में जाते समय डैमेज हो और सारे प्रोटेक्शंस और सारी चीजों को ध्यान में रखना, ये सब चीजें बड़ी बड़ी बातें हैं। वहां पे प्रॉपर डिलीवर्ड अभी तक हम लोग 99% सक्सेस रहे हैं, 1% में कहीं पे हल्का फुल्का इशू आया है, तो चूंकि वो कोरियर इंश्योर्ड होता है इस वजह से अब तक इस चीज की दिक्कत नहीं आई कि कस्टमर को कोई दिक्कत उठानी पड़ी है। तो अब बैठ जाते हैं और बैठ के इन सभी प्रोडक्ट्स पे बात कर लेते हैं एक बार। अब करते हैं श्री गणेश, तो करें किससे, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोल खेल लेते हैं, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोल इसी से स्टार्ट करते हैं। लाल लाल है, और सबसे अच्छी इसके मुझे जो है चीज जो लगती है उसका लोगो, आसुस स्ट्रिक्स रोग सीरीज का जो लोगो है वो अल्टीमेट है। ये आज तक इससे प्यारा लोगो किसी का नहीं लगा, और शायद ये लोगो लोगों का ही इतना अच्छा पैसा खाते हैं कि पूछिए नहीं। लेकिन परफॉर्मेंस भी अगर कहिए ना तो अल्टीमेट है, इनके इक्विवेलेंट कोई भी मदरबोर्ड टिकता नहीं है। आग बंद करके कुछ लगा लीजिए, परफॉर्मेंस आपको मिलनी ही मिलनी है। ये इसके लिए एक ऐसा अप्रिसिएशन है जो बहुत गुस्सा लगती है इनके सर्विस को देख के, इनके यहाँ सेल्स पर्सन को देख के, जो बिल्कुल भी रिस्पॉन्ड नहीं करते, लेकिन प्रोडक्ट इतना अल्टीमेट है कि वाह वाह ही अपने आप निकल आती है। सबसे पहले इस बोर्ड को ओपन करते हैं, देखते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें मिल रही हैं। रोग स्ट्रिक्स Z790E गेमिंग वाईफाई, ई इनकी सीरीज है, EF इनकी सीरीजें होती हैं, वाईफाई के साथ में है, जिसमें आपको LGA 1700 सॉकेट, DDR5 की कंपेटिबिलिटी, PCI 5.0, ऑरा सिंक सॉफ्टवेयर, वाईफाई 6 इनेबल्ड, ये सारे फीचर्स आपको मिल रहे हैं। इनको कट कर लेते हैं, ओ खुल जा सिम, ये आया जादू। सबसे पहले ऊपर का जादू देखें, इसके अंदर क्या क्या चीज इन्होंने दे दिए।
सबसे ऊपर क्या रखा था, स्टिक सीरीज का वाईफाई एंटीना, और खोलते ही आपको मिलता है वेलकम टू द रिपब्लिक ऑफ गेमर आरओजी। इसको कर देते हैं अब किनारे और मदरबोर्ड को निकालते हैं बाहर। नीचे आ रहा है अपना सबसे शानदार शाहकार और अच्छा मदरबोर्ड आरओजी 790 ई गेमिंग वाईफाई। इसको ओपन करते हैं। ये आ गया अपना मदरबोर्ड, जहां पे आपको कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा होगा, M.2 NVMe वगैरह सब गायब है। क्यों गायब है? सब इस हीट शील्ड के नीचे सब कवर अप हो गई है। चार रैम स्लॉट मिल रहे हैं जो 6000 मेगाहर्ट्ज तक की रैम को कम से कम सपोर्ट करते हैं। उसके बाद PCI एक्सप्रेस स्लॉट तीन मिल रहे हैं, 1, 2, 3 मतलब तीन ग्राफिक कार्ड आप लगा सकते हैं। लेकिन फुल साइज का मदरबोर्ड होने पर भी इसमें अगर हम तीन कार्ड लगाने के बारे में सोचें तो एकदम चिपक के आ जाएंगे, जिसका नतीजा होगा ओवरहीट। तो कभी ऐसा लगाने का विचार ना बनाए। आज के टाइम पे वैसे भी 24 GB तक के कार्ड अवेलेबल हैं, तो आपको इतना ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं। एक कार्ड भी आप लगा के काम करोगे तो 24 GB तक का कार्ड अवेलेबल है। पहले क्रॉस फायर और SLI वगैरह के जो काम होते थे वो इसलिए किए जाते थे क्योंकि तब कार्ड जो थे 2 GB, 4 GB, 8 GB बड़ी मुश्किल से मिलते थे, 8 GB वाले वेरियंट। तब ये चीज़ें होती थी, क्रॉस फायर, SLI, ये सारे ऑप्शन किए जाते थे। आज इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। तो हम लोग इस बोर्ड को इस सिस्टम पे यूज़ करने जा रहे हैं। फ्रंट पे अगर हम लोग देखें तो कौन कौन से पोर्ट्स हम लोगों को मिल जा रहे हैं। दो टाइप सी मिल जा रहा है, डिस्प्ले पोर्ट मिल रहा है, HDMI मिल रहा है, और लैंड पोर्ट के साथ में आपको वाईफाई, ब्लूटूथ, 5.1 ऑडियो, सभी कुछ जो लेटेस्ट वे में चाहिए वो सब कुछ अवेलेबल है बोर्ड पर। इस बोर्ड को इस सिस्टम पे यूज़ किया जाएगा। बोर्ड नियर अबाउट 2 से 2.5 kg के नियर अबाउट है, और इसके अंदर और भी क्या कंटेंट होंगे एक बार चेक किया जा सकता है, क्योंकि आरओजी देता बहुत सारी चीज़ें हैं। एक आपको ये किचन देगा, स्टिकर देगा रिपब्लिक ऑफ गेमर का, यहाँ बुकलेट्स का मैनुअल दे रहा है क्या क्या चीज़ क्या क्या होंगी, और ये बहुत सारे स्टिकर। कस्टमर ने सबसे ज़्यादा मांग की थी कि सर ये जो इसके स्टिकर मिलेंगे ना, ये प्लीज़ मेरे लिए ज़रूर रख दीजिएगा, इसको मत किसी को गायब करने दीजिएगा, क्योंकि मेरे यहाँ बहुत सारे अच्छे बच्चे हैं जो इसको गायब कर लेते हैं तुरंत। इतना सुंदर कार्ड है ये। इन सबको फिर से हम ढक देते हैं और इसको बंद कर देते हैं कि उन लोगों की गलत निगाह इस पर ना पड़े, और जो और कंटेंट्स हैं उनको भी इसके अंदर डाल देते हैं। मदरबोर्ड इतना हैवी है कि 8-8 पिन के दो सॉकेट से यहाँ पे यूज़ किए जाएंगे, तो कोई हल्की फुल्की सप्लाई मत यूज़ करिएगा कभी भी। 450, 550, 650 इन सब पे तो ये ऑप्शन भी आपको नहीं मिलेगा। 750 से ये स्टार्टिंग होगी आपको ये 8-8 पिन के दो कनेक्टर्स यहाँ पे मिलने की, और यहाँ पे 24 पिन का कनेक्टर मिलने की। अगर इसका स्विच ढूंढने में कोई इशू हो तो मदरबोर्ड पर मैनुअली एक स्टार्ट का स्विच है, इसे भी दबा के आप चेक कर सकते हैं। और यहाँ पे जो ये LED दी हुई है, ये डीबगिंग LED है, जो कोडिंग को आप अगर पढ़ना जानते हो या गूगल पे जाके आप सर्च कर लेंगे तो ये कोडिंग के थ्रू आपको पता लग जाएगा आपके सिस्टम में किस चीज़ की एरर आ रही है, तो आपको बाय डिफ़ॉल्ट उसी पे जाके काम करने का ऑप्शन मिल जाएगा, इससे कोई इशू नहीं होता। बहुत अच्छी चीज़ है ये डीबगिंग कार्ड एक तरीके से। अगर 50,000 रुपये का ये मदरबोर्ड है तो इसके अंदर जो जो ऑप्शन दे दिए हैं एक नौसिखिए के लिए भी बहुत अच्छे ऑप्शन है। अगर उसको इस पैनल पे अपना रिस्टार्ट, SDD और स्टार्ट के बटन ढूंढने में दिक्कत हो रही, यहीं से उस बटन को दबा के सिस्टम स्टार्ट कर सकता है। डिस्प्ले नहीं दे रहा है, कोई और प्रॉब्लम है, CPU एरर आ रही है, GPU एरर आ रही है, NVMe एरर आ रही है, तो उसके कोड यहाँ पे जनरेट होंगे। इन कोड के थ्रू आप जान सकते हो कि किस में दिक्कत है। यहाँ पे ARGB हेडर्स आपको मिल रहे हैं जो आपके फैंस को कंट्रोल करने का काम करेंगे। इसमें एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, दो यहाँ पर, इस तरीके से तीन ARGB हेडर इन्होंने प्रोवाइड किए हुए हैं, जिससे आसानी से सारे फैनों को कंट्रोल करने में सहायता मिले। अब आ जाते हैं अपने इस प्रोसेसर पे। i9-13900K 36MB कैश मेमोरी के साथ में और 24 कोर का प्रोसेसर है जिसको इस सिस्टम में हम लोग यूज़ करेंगे। कट यहीं से होगा।
54,000 का अकेला ये CPU है। इतनी छोटी सी चीज इतनी कैपेबल है और इतनी परफॉर्मेंस देने में सक्षम है कि विदाउट ग्राफिक कार्ड भी इस सिस्टम को ये डिस्प्ले दे सकती है और GTA 5 जैसे गेम को 100 FPS से ऊपर खिलाने में भी सक्षम है। तो आप लोगों के लिए एक सजेशन है, इस तरीके के प्रोसेसर पर ज़्यादा ध्यान ना दें, एक छोटा प्रोसेसर खरीद के 1650 ग्राफिक कार्ड लगा के GTA 5 खेलना तो खेल लें। 54,000 का प्रोसेसर खरीदने से ज़्यादा अच्छा, उतने में पूरा सिस्टम बिल्ट हो जाता है। जो छोटे छोटे बिल्ड्स होते हैं ये उनके लिए, इनको परफॉर्मेंस चाहिए थी, इनके लिए यही बेटर है। तेरा नौ सबके जिसको इस पर हम लोग फिट करेंगे। क्लिप्स आउट हो चुकी है और प्रोसेसर प्रॉपरली फिट हो चुका है। इंटेल के इस डिब्बे में एक इंटेल की मैनुअल भी मिलती है, ये कभी ध्यान देने की जरूरत नहीं पड़ी। अटेंशन, ऑथराइज यूज ऑफ इंटेल लोगो, और इंटेल का लोगो भी उसके अंदर छुपा के रखा गया है। जब कभी आप लोग इस तरीके का बिल्ट बनवाएं तो इस लोगो को निकाल के अपनी कैबिनेट पे लगा सकते हैं, लेकिन इसको हम सुरक्षित कस्टमर के लिए छोड़ देते हैं। अब इसमें कर लेते हैं 16 GB की चारों रैमों का प्लेसमेंट। मैक्सिमम इन सीरीजों में बोला जाता है कि आप 4, 3 और 2, 1 इस तरीके से पेयर में लगाएं, लेकिन हम लोग 16 GB की चार रैम यूज़ कर रहे हैं तो इनके लिए इस तरीके का कोई बाइफर्केशन करने की हम लोगों को ज़रूरत नहीं है। कोरशर की 5200 MHz की DDR5 रैम है। दो रैमों का प्लेसमेंट हो चुका है। तीसरी रैम का भी प्लेसमेंट हो गया है। लास्ट बची है फोर्थ। चारों रैम 16x4 64 GB इसमें हम लोगों ने लगा दी है। अब इसमें बचती है अपनी 990 सीरीज की 2 TB की NVMe, जो सैमसंग की अब तक की सबसे लेटेस्ट है, मेड इन कोरिया, इसी कारण इंडिया में सेल होने की इसे परमिशन मिली है। 7450 MB/s रीड स्पीड है। 2 TB की ये सिंगल लगेगी और 7450 MB/s इसकी रीड स्पीड है, तो परफॉर्मेंस क्या मिलने वाली है, रेडी हो जाइए एक हवाई जहाज के लिए। साइज आज भी इसका छोटा सा ही है जितना बड़ा रहता है, क्योंकि स्टैंडर्ड साइज है, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं किया जा सकते, लेकिन सैमसंग की 5 ईयर वारंटी के साथ आने वाली सबसे अल्टीमेट NVMe होती है ये सब। ये NVMe का भी प्लेसमेंट हो चुका है और अब आपको दिखाते हैं क्वाड्रो कॉर्ड। मैक्सिमम लोग क्वाड्रो कॉर्ड से फैमिलियर नहीं होते हैं, लेकिन जो लोग प्रोफेशनल सीरीज प्रोफेशनल वर्क बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल वर्क करते हैं, जिनको गेमिंग से कोई लेना देना नहीं है, वो लोग इस तरीके के कार्ड को प्रेफर करते हैं।
ये राशि पेरिफेरल्स, ये एनवीडिया का एडिशन है, एनवीडिया RTX A4000। इसे दो कंपनियां प्रोवाइड करती हैं, एक PNY, दूसरी राशि पेरिफेरल जो एनवीडिया के द्वारा देती है। ज़्यादातर आपको मैं बताऊं, PNY कार्ड में अगर आप देखने जाओगे तो PNY थोड़ा सा जो सस्ते कार्ड जो होते हैं उनके अंदर बहुत सारे कनेक्टर्स को लेस रखता है। उसकी अपनी मोनोपोली है, इसकी अपनी मोनोपोली है। इसमें आपको कनेक्टर ज़्यादा मिल जाते हैं, उसमें कनेक्टर बहुत कम मिलते हैं, और ब्राउन कलर की वो पैकिंग में आता है, जबकि ये रेड और वाइट की इस तरीके की पट्टियों में आपको देखने को मिलेगा। तो ज़्यादातर लोग प्रेफर इसी वजह से, कनेक्टर्स की वजह से इसको प्रेफर करते हैं। जी, आपके सामने अभी तक आप देखते थे जो कंपनियों का, एनवीडिया की कंपनियों का कार्ड आते थे उसमें 3 फैन लगते थे, 4 फैन लगते थे, मोटे मोटे हीट सिंक होते थे, उठाइए तो 2 और 2.5 किलो का होता था। अभी भी जो RTX 4070 तक आ रहे हैं ना, उनसे महंगा कार्ड है ये, और देखने में देखिए कितना पतला दुबला, ऐसा लग रहा है अभी अभी जिम करके आ रहा है। और पीछे भी इसका साइज देख लीजिए, कितना प्रोफेशनली कार्ड है। जितनी भी ब्रांडेड मशीन लगती है ना, उनको सिर्फ एक ही ऑप्शन होता है, इस कार्ड के अलावा दूसरे कार्ड को प्रेफर नहीं कर सकते। इनके A4000, 1000, 2000 इस तरीके से इनकी सीरीजें आती हैं। और फैन जो लोग कहते हैं ना, एक ही फैन, दो ही फैन, 3 फैन, यहाँ देखिए एक ही फैन है। 80,000 रुपये का कार्ड और एक फैन, वो भी इतना पतला दुबला। तो परफॉर्मेंस के लिए पतला दुबला और फैन, ये दोनों मैटर नहीं करते हैं। ये अपने दिमाग से इस विचार को हटा दीजिए। और ऑप्शन क्या मिलेंगे, चारों पोर्ट आपको DP मिल रहे हैं, कोई HDMI नहीं, सारे DP। देख लीजिए कितने शानदार, देखिए मैं कहता हूँ ना, इसमें कनेक्टर मिलता है। अगर किसी को HDMI से आउटपुट लेना है तो DP इन हो जाएगा और एक HDMI आपको ऑप्शन मिल जाएगा। आपके पास मॉनिटर अगर HDMI है तो आप इससे आउटपुट ले सकते हैं। कंपनी खुद ही प्रोवाइड कर रही है एक आपको कनेक्टर, इससे अच्छी चीज़ और क्या होगी। ये इसकी बुकलेट है जिसपे आप इसके क्विक स्टार्ट गाइड है, जिसमें इसके फीचर्स को आप पढ़ सकते हैं। अब इसको मैं फिर से पैक कर देता हूँ। आपने देखा 16 GB का A4000 क्वाड्रो कार्ड जो प्रोफेशनल वर्क के लिए होता है, नॉट फॉर गेमिंग। ये मशीन पूरी प्रोफेशनली रेडी हो रही है, गेमर्स का यहाँ पे कोई भी यूटिलाइजेशन नहीं है। जो लोग प्रोफेशनल्स वर्क करते हैं वो इस मशीन को प्रेफर करें, और इसके स्पेक्स को देख सकते हैं किस तरीके से उसने सारा सिलेक्शन किया है जिस बंदे का है। 750 वाट थर्मल टेक की गोल्ड पावर सप्लाई यूज़ की जा रही है, जो 10 ईयर वारंटी के साथ है, फुली मॉडुलर है। इस सिस्टम पर इसे यूज़ किया जाएगा। क्रैकन का X73 RGB लिक्विड कूलर है जिसे हम लोग यूज़ करेंगे, और कैबिनेट इसमें अभी जब बिल्ट हो जाएगी तब आपको दिखाते हैं कि कैबिनेट कौन सी यूज़ की गई है, जो सबसे बड़ा पार्ट है। 50,000 की रेंज में अकेले कैबिनेट विद फैन पहुंच रही है, तो बिल्ट कितना हाहाकारी होने वाला है, बस वेट करिए, बने रहिएगा। अभी फिर मिलते हैं 10 मिनट में। जो कल के बिल्ट में हम लोग बात कर रहे थे कि आपको कैबिनेट के बारे में बताएंगे कि कौन सी कैबिनेट हम लोग इस बिल्ट में यूज़ कर रहे हैं, वो ये है हॉफ 700 EVO। H500 भी आती है, उसके बाद S700 भी आती है, और S700 EVO भी आती है। EVO के अंदर इन लोगों ने जो है 480 का रेडिएटर लगाने की सुविधा, 5 SSD लगवाने की सुविधा और 4 हार्ड ड्राइव लगने की सुविधा दी हुई है। साथ में जो टेम्परेचर कंट्रोल वाला ऑप्शन है वो आपको यहाँ पे मिल जाता है, कि टेम्परेचर अंदर CPU का क्या चल रहा है वो आपको फ्रंट पे दिखाई देगा। साथ में ये स्ट्रिप्स जो हैं ये भी ARGB कंट्रोल के साथ में है। इसके अंदर पीछे किस तरीके का केबल मैनेजर के लिए ऑप्शन दिया गया ये आप देख सकते हो। इस क्लिप को ओपन करने के बाद आप जितनी केबल्स हैं, कुछ नहीं आता अंदर ठास दीजिए, अगर कुछ नहीं करना आता। एक कंट्रोलर हम लोगों को अलग से परचेस करना पड़ा क्योंकि फैन ज़्यादा हो रहे थे,
टोटल मिला के नियर अबाउट 10 फैन हो चुके हैं इसमें। इस वजह से इसका जो कंट्रोलर था वो काफ़ी नहीं रहा, इस वजह से हम लोगों को एक एक्स्ट्रा कंट्रोलर भी डालना पड़ गया। लेकिन जो लास्ट में लुक निकल कर आया है वो आपके सामने है, और कितना अल्टीमेट टाइप का ये बिल्ट निकल कर आया है, और जितनी क्वालिटी इसकी अच्छी लग रही है, मतलब अब तक के सबसे प्रीमियर लुक में ये निकल कर आया है। सोच भी कूलर मास्टर की अलग ही है कि सब लोग ये टेम्परेचर का जो मेंशन करने का तरीका है वो अधिकतर हेडर पे रख देते हैं, ये लिक्विड कूलर का पार्ट होता था। लेकिन इस कैबिनेट के अंदर क्या चीज़ की गई है, टेम्परेचर को बाहर मेंशन करने का दे दिया कि अंदर सीपीयू का टेम्परेचर क्या है वो ये यहाँ पे बता रहा है। और अच्छी चीज़ क्या है कि सॉफ्टवेयर के थ्रू इसको हम लोग कस्टमाइज भी कर सकते हैं, कस्टमाइज इस तरीके से कर सकते हैं, इस पर चाहें तो डेट टाइम उसको फिट कर सकते हैं, टेम्परेचर को मेंशन कर सकते हैं, ये सारे ऑप्शंस यहाँ पे हमको मिलते हैं। तो इस तरीके से ये जो अपने मितुल गोगोई का जो सिस्टम है ये पूरी तरीके से रेडी हो चुका है। अब बस अपने पास इतना टाइम बचा है इसको जल्दी से पैक करने का, पैक करके निकालने का, और शाम तक इसको हम इसकी रिसिप्ट दे देंगे। क्योंकि काफ़ी वेट है इस कैबिनेट का, 25 किलो की अकेले कैबिनेट थी, उसके बाद सारी चीज़ मिलाने के बाद ये 30 केजी से अबव चला गया है। इसके कारण इसका ट्रांसपोर्टेशन और जो चार्जेस हैं वो थोड़े से इंक्रीज हो गए, लेकिन कोई नहीं, सेफली पहुँचे आसाम तक, वो ज़्यादा ज़रूरी पार्ट है, ना कि 2-4-500 रुपये का अप एंड डाउन। तो बस गाइज आज के लिए इतना ही, इसको रेडी करके जल्दी से मूव करने की तैयारी करते हैं। और इस सिस्टम में कुछ भी आपको और लग रहा हो या और एक्सपेंड किया जा सकता है वो भी बताइएगा, इनको हम लोग सजेस्ट करेंगे कि भविष्य में अगर कुछ बढ़ाने का है तो बढ़ा सकते हैं। ग्राफिक कार्ड आप देख ही रहे हो, वर्टिकल माउंट कर दिया गया है। ग्राफिक कार्ड A4000 है, जो प्रोफेशनल सीरीज के कार्ड होते हैं। प्रोफेशनल सीरीज के कार्ड हीट नहीं करते, लेकिन हैवी रेंडर्स की सीरीज करने के लिए सबसे अच्छे कार्ड होते हैं। कितना पतला दुबला सा है वो भी आपको दिख रहा है, मतलब अगर ये 3090 वगैरह होते तो शायद कुछ इशू होता कि इतनी दूर भेजने में, लेकिन इसका वेट इतना नहीं है और इतने पावर कंजम्पशन नहीं है, इसीलिए 750 वाट सप्लाई पर ये पूरी तरीके से प्रॉपर चल गया है। तो गाइज बस आज के लिए इतना ही, थैंक यू।